वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू द ईवी रैंडम ज्ञान। सो आज का जो ईवी रैंडम ज्ञान होगा वो होगा चार्जिंग के ऊपर। बेसिकली बहुत लोगों को होम चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, सो हम आपको आज वो बताने वाले हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि आपका गाड़ी चार्ज नहीं हो पा रहा है घर पे। यस, कोई कोई लोग बोल रहे हैं एक लाइट आ रहा है, तीन लाइट आ रहा है, चार लाइट आ रहा है, रेड लाइट आ रहा है, एक लाइट आ रहा है, बहुत सारी चीजें कमेंट्स में आ रही है एंड इवन डायरेक्टली लोग मैसेज कर रहे हैं। तो वील पुट द चार्जर ऑन नेचुरली। रेड लाइट हम हमारे इसमें दिखा नहीं सकते, हमारे सॉकेट्स का अर्थिंग वगैरह सब क्लियर है, राइट। बट वील ट्राई टू फाइंड आउट, कहीं पे कुछ वीडियो या पिक्चर होगा तो वो प्लग इन कर लेंगे। बट या सो वील जस्ट गिव यू के क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उनके सॉल्यूशन क्या है वो आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है रेड लाइट के बारे में, और लोगों को सिंगल लाइट भी आ रही है जो स्टार्टिंग में ग्रीन लाइट, हम आपको बता देंगे तो उसका भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हम आपको वो सब कवर करके बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे सिंगल लाइट आ रहा है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सिंगल लाइट है और दो लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है। ये दो लाइट जब भी ऑन होती है इसका मतलब है कि गाड़ी आपका चार्जर आपका गाड़ी पे कनेक्टेड है और आपका गाड़ी चार्ज हो रहा है। बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल लाइट आ रहा है। सिंगल लाइट आ रहा है इसका मतलब जो गन है वो बराबर से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने गन लगाया नहीं है और यहाँ पे आपको सिंगल लाइट दिखता होगा कि सिंगल लाइट ही है और गन हमने गाड़ी पे लगाया नहीं है। तो इस पे दो या तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सिंगल लाइट क्यों आ रहा है। दो तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? नंबर वन ये हो सकता है कि आपका गन जो है वो आपने ठीक से लगाया नहीं है, वो ठीक से आपने इंसर्ट नहीं किया है तो इसके लिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप वो चेक कीजिए। सेकेंडली, गाड़ी फॉर सम रीजन गाड़ी कनेक्टर को लॉक नहीं कर रही है। जैसे कि आपको फास्ट चार्जर्स पे भी आपने देखा होगा कि गाड़ी लॉक नहीं होता तो चार्जिंग ऑन नहीं होता, तो दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी कि आपके जो कनेक्टर्स है वो क्लीन नहीं है या कुछ कचरा उसमें अटका होगा या कुछ होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से ये सब क्लीन करने के लिए वगैरह, नहीं तो आप सर्विस सेंटर पे चले जाइए, वो 5 मिनट में आपको क्लीन करके दे देंगे। तो दीज आर द 3 reasons। अगर लॉक नहीं हो रहा है तो मे बी एक्चुएटर का कुछ इशू हो सकता है विच हैज टू बी रिप्लेस देन, तो वो भी चीज़ आप एक चेक कर सकते हो सर्विस सेंटर में जाके। तो दीज आर 3 main possibilities के सिंगल लाइट आपके कनेक्टर लगाने के बाद में भी सिंगल लाइट क्यों ऑन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी गाड़ी को कनेक्ट कर लिया है हमने और यहाँ पे हम अभी ऑन करते हैं इसको और आप देखोगे कि ये लाइट ब्लिंक किया और गाड़ी ने कट कट करके आवाज किया और यहाँ पे 3 लाइट ऑन हो गए। तो अभी ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये चार्जर चालू हो गया है और चार्ज कर रहा है गाड़ी। सेकेंड लाइट मीन्स आपका गाड़ी बराबर से कनेक्ट कर लिया है चार्जर ने और चार्जर आपका बराबर से लॉक हो गया। तो अभी हम ऑन पर्पस इसको थोड़ा सा ढीला लगाते हैं, लाइक पूरी तरह से उसको कनेक्ट नहीं करते और देखते हैं चार्जर का क्या रिस्पॉन्स आता है। चार्जर तो ऑन कर दिया है तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि वो एक लाइट पे ही अटक गया है। नाउ आई लास्ट विकी टू उसको ठीक से लगा दे चार्जर को, बट पहले चार्जर को बंद करते हैं। यार ट्राइंग, चार्जर को ठीक से लगा दिया है एंड लेट्स सी। So it's working fine and I'm sure आपको वो कार से लॉकिंग का नॉइज भी आया होगा हल्का सा। So very simple guys, एक लाइट जल रहा है तो just गन को चेक कीजिए ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं, एंड अगर ठीक से कनेक्टेड होने के बाद में भी हो रहा है तो या तो आपके लॉक का कुछ इशू हो सकता है, अगर वो भी ठीक है तो मे बी आपका जो गन है वो अंदर से या जो एक्चुएटर है दोनों में से कहीं पे कचरा फंसा होगा। सो गाइज, अभी आते हैं अर्थिंग पे। अर्थिंग पे नहीं, बेसिकली जो रेड लाइट आपको दिखाता है उस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो रेड लाइट आपको दिखा रहा है। सो फर्स्ट थिंग, अर्थिंग का मेन प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके यहाँ पे अर्थिंग बराबर नहीं है तो उसके वजह से एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको रेड लाइट दिखा रहा है। यस, एंड सेकेंडली स्पेशली ये समर में बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे तो हो सकता है कि आपका चार्जर बिकॉज ऑफ द हीट ज़्यादा हीटअप हो गया है एंड चार्जर में सेल्फ प्रोटेक्ट सिस्टम है, चार्जर हीट हो जाता है तो फिर आपका रेड लाइट ऑन हो जाता है। तो रेड लाइट ऑन होने की वजह से आपका चार्जिंग ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ कर देता है आपका चार्जर, सो उसका एक सेफ्टी फीचर है, वो एक पॉसिबिलिटीज है। सो थर्ड थिंग आपका जो प्रॉब्लम दे सकता है कि आपका जो सॉकेट है जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो वो आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने वो सॉकेट पे आपका चार्जर कनेक्ट किया है अगर आपका वो सॉकेट फॉल्टी है तो उसके वजह से भी आपको रेड लाइट का इशू आता है।
बहुत बार होता है कि ब्रांडेड नहीं होता है, 15 एम्पियर का डिजाइन होता है लेकिन उसका पावर 15 एम्पियर जितना नहीं होता है, और प्रॉब्ली द बैक वायर विच इज देयर वो भी 15 एम्पियर सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए. तो उस वजह से मेनी टाइम्स हीटिंग का इशू एट द सॉकेट एंड भी हो जाता है कि आप जब प्लग को निकालते हो तभी वो सॉकेट भी बहुत गर्म हो जाता है. इवन वी हर्ड इंस्टेंसेस जहाँ पे वो थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से. तो इट्स बेटर कि वो आप अगर आपका कोई रैंडम कहीं पे कनेक्ट कर रहे हो तो आप ये चेक कर लीजिए कि वो है कि नहीं, क्योंकि जैसे आपके घर पे टाटा या जो भी ब्रांड का आपका कार है वो लोग सब चेक करके और अप्रोप्रिएट वायर्स लगा के आपके लिए सेटअप करते हैं. तो कहीं ढाबे पे या कहीं पे भी चार्ज कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये चीज़ एक बार वेरीफाई कर लीजिए वहाँ से. सो अभी जैसे ओवर हीटिंग का ही बात कर रहे हैं तो हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का ही एक कुछ प्रॉब्लम हुआ था चार्जर में. सो जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं सॉकेट की, तो सॉकेट अगर आपका फॉल्टी होगा तो वहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो अभी हम आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर फ्लैश करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये सॉकेट के वजह से ये उसने चार्जर को कैसा ओवरहीट करके जला दिया है पूरी तरीके से. सो आपको ये प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका सॉकेट, और अगर आप स्पिंडल आपका खुद का स्पिंडल भी बना रहे हो तो स्पिंडल का जो सॉकेट है वो भी हाई क्वालिटी रहना चाहिए, वरना आपके साथ में ऐसी चीज हो सकती है. इवन द केबल गाइस, केबल भी वो हैवी करंट फ्लो सपोर्ट करना चाहिए. राइट. एंड वी ऑलवेज से कि आपको लगता नहीं होगा उतना लेंथ, फिर भी आप स्पिंडल को पूरी तरह से ओपन कर दीजिए, उसको रैप्ड रहने मत दीजिए क्योंकि वो इंडक्शन की वजह से ओवर हीटिंग ज्यादा हो जाता है कभी कभी. राइट. एंड द MCB ऑल्सो मैटर्स अलॉट. स्पिंडल का जो MCB ऑटो ट्रिप वाला होगा तो अगर किसी भी तरह का ओवर हीटिंग डिटेक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा उसको. तो कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, तो दैट वे इज योर अगर आप स्पिंडल यूज कर रहे हो तो आपका चार्जर भी प्रोटेक्टेड रहता है. सो दीज ऑल सेफ्टी थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ गाइस, क्योंकि तो थोड़ा ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि तो ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव है. सो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी. एट द एंड ऑफ द डे कार से रिलेटेड है, छोटी बैटरी नहीं है, बहुत बड़ी बैटरी है. राइट. तो अगर कुछ भी गलती हो जाए हल्की सी छोटी सी, कैन बी वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर अदर पीपल अराउंड. तो ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए. ऑल्सो एक वेरी रेयर सिचुएशन, बट किसी ने ये भी बोला था कि करंट का अभी अगर फ्लो ज़्यादा है, के 230 से ज़्यादा अगर करंट आ रहा है तो तभी भी चार्जर प्रोटेक्शन मोड में चले जाता है ये. Right. ज़्यादा लोग एक आधे किसी ने हमको कमेंट में ये चीज़ बताया है तो वी थॉट वील मेंशन दैट ऑल्सो फॉर यू. सो गाइस, आपका जो चार्जर है उसका भी फोटो डाल देंगे हम, जो आपका होम चार्जर है उसके पीछे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, फोटो डाल देंगे, अच्छे से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना. आपके पास भी जो चार्जर है वो भी पढ़ लेना, तो वो जो टाटा ने मेंशन किया है गाइस उसके हिसाब से जाओ. प्लीज़ अपने हिसाब से चीज़ें करने का ट्राई मत करो. यस, सो बी सेफ गाइस, मॉनसून इज हियर. तो सब जो भी चार्जिंग के आपके जुगाड़ है उसको वाटर प्रूफ या तो वाटर से प्रोटेक्ट करके रखिए. राइट. सो दैट कोई इंस्टेंसेस आपके साथ में ना हो. सो वी होप आपको ये पसंद आया होगा, और जिसको भी ये चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज उसके साथ में शेयर करिए वीडियो. यस, कीप शेयरिंग एंड इंक्रीज द अवेयरनेस. यस, विल सी यू, टेक केयर.